जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीआर मिचल में। अरे कब से प्ले ही नहीं हो रहा था। सभी लोगों को जय हिंद। आज का टॉपिक है इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज का टॉपिक है इन्फेंट्री वेपन्स इक्विपमेंट्स, तो इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। एनसीसी ए बी और सी सर्वेट एग्जाम 2022 के लिए होगा आज का क्लास। अभी रेगुलर हमारी क्लासेस इवनिंग टाइम में 7 बजे से चलेगी। पीडीएफ आप लोग को 2-4 दिन में अवेलेबल करा दूंगा और सभी लोगों का डेफिनेटली ए ग्रेड ही आएगा। हाँ सभी लोगों को जय हिंद। अरे नेटवर्क इशू पता नहीं कब से स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हाँ सभी लोगों को जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर, काफी लेट हो चुका है 15 मिनट। हाँ सी के लिए भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन से हथियार होते हैं। एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन सा हथियार होता है, आप लोग लिमिट्स में मैं आंसर बताएंगे जल्दी। एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन सा वेपन्स होता है फास्ट। अरे कर नहीं दिया, लेट हो गई ना, कब से स्टार्ट नहीं हो रही थी क्लास। मैंने 3-4 बार किया बट नेटवर्क इशू की वजह से शायद। हाँ सभी लोगों को जय हिंद। आप लोग आंसर बताए, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन सा वेपन्स होता है फास्ट जल्दी। एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन सा वेपन्स, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं। थोड़ा सा आप लोग आंसर बताइए, क्लास फुल होगी। ठीक है क्लास होगी फुल, 1 घंटा चलेगी। वेपन्स ऑफ इन्फेंट्री सेक्शंस, सोनल तिवारी आशीष करेक्ट और बाकी लोग। अरे एक एक पॉइंट क्यों बता रहे हैं, कम से कम 3 वेपन्स का, कम से कम 2 का ही बताओ। चलो अभी 2 का चलेगा। अनुज मौर्य, शहनाज, ठीक है रजनी सा बढ़िया, कन्हैया हाँ ठीक है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन सा हथियार यानी वेपन्स होता है। इसका आंसर होगा, एक इन्फेंट्री सेक्शन में 5.56 mm इंसास राइफल जिसकी संख्या 6 होती है, 5.56 mm इंसास LMG 1, 84 mm RL यानी रॉकेट लॉन्चर 1 होती है, 9 mm पिस्तौल इसकी भी संख्या 1, और 9 mm CMG यानी कार्बाइन मशीन गन उसकी भी संख्या 1 होती है। हाँ ठीक है, अभी काफी लोग का सही, बढ़िया। बाकी लोग जो लोग याद नहीं किए आप लोग याद करके आया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल की सफाई का सामान लिखे कम से कम 3, कि राइफल की सफाई के लिए हम लोग कौन कौन सा सामान का इस्तेमाल करते हैं फास्ट, कम से कम 3 ऑब्जेक्ट का नाम। काफी इजी क्वेश्चन है, सबको बताना होगा जल्दी। राइफल की सफाई का सामान लिखे फास्ट। आज हम लोग की क्लास वैसे भी 15 मिनट लेट है तो आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर बताएंगे। राइफल की सफाई का सामान कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स का, जो हम लोग राइफल की सफाई के लिए यूज करते हैं जल्दी। बहुत ही इजी और हर साल ये क्वेश्चन आता ही है बी और सी दोनों में डेफिनेटली। अरे राहुल गेमिंग केवल 1 पॉइंट बता रहा, 1 से नहीं होगा, कम से कम 3 पॉइंट जल्दी। बहुत ही इजी है फास्ट। अनुज मौर्य करेक्ट है। राहुल गेमिंग एक साथ सारे पॉइंट बताया करो, एक एक करके ना बताओ ठीक है। कमलेश बढ़िया, देवाश्री ललिता हाँ ठीक है, रजनीश हाँ बढ़िया, कन्हैया ठीक है हाँ ठीक है। अभी बाकी लोग का भी सही है। राइफल सफाई का सामान होता है चिंदी, पुल थ्रू, तेल, गर्म पानी, दरी, सूती कपड़ा, रॉड और बॉडी ब्रश। मैंने आपको 8 पॉइंट बता रखे, कम से कम आप 7 ठीक है, 6-7 पॉइंट कम से कम याद रखेंगे परफेक्ट है, ताकि आप एग्जाम में 1-2 पॉइंट भूल भी जाए तो आप आसानी से 5 पॉइंट लिख के फुल मार्क्स ले ले। हाँ ठीक है अभी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैप शूटिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई स्नैप शूटिंग जल्दी। जिनको याद है स्नैप शूटिंग से आप क्या समझते हो फास्ट। एक क्वेश्चन के लिए आपको ओनली 32-45 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं ठीक है। स्नैप शूटिंग से आप क्या समझते हैं फास्ट, सब लोग एक साथ जल्दी से आंसर बताएंगे। हाँ सभी लोग को जय हिंद, आंसर बताइए। अब स्नैप शूटिंग से क्या समझती है, क्या चीज है स्नैप शूटिंग में, क्या होता है वो चीज आपको बताना है आंसर में जल्दी। इसका आंसर पॉइंट सिस्टम में नहीं होता, इसका आंसर हिस्ट्री टाइप का लिखते हैं ठीक है फास्ट। स्नैप शूटिंग से आप क्या समझते हैं, 2 लाइन का आंसर है जल्दी बताइए। ग्रिजेश कुमार क्या लिख रहा तू,
मेन करेक्ट सभी फिंगर टारगेट, इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ भी लिख दोगे। स्नैप शूटिंग क्या होता है? जल्दी टारगेट सामने होने पर गन्नू, आप लोग बात बना रहे, चलिए हम लोग आंसर करते हैं। स्नैप शूटिंग क्या होता है? बहुत कम लोगों को पता होगा, एक लिख रहा है निशाना लगाना। अरे तो शूटिंग है तो निशाना ही तो लगाना है ना। इसका आंसर होगा स्नैप शूटिंग में कैरेट सभी पांचों शॉट फिगर टारगेट 1:1 पर 25 गज की दूरी से फायर करता है। प्रत्येक हिट के लिए 10 अंक दिया जाता, टोटल 5 हिट के लिए 50 अंक होता है। इसमें अधिक दूरी की अपेक्षा अधिकतम अंक का महत्व होता है, ठीक है? यानी इसमें गति की अपेक्षा सटीक निशाना लगाने का अधिक महत्व होता है, आपको सेंटर में मारना होता है, ठीक है? इसमें आपको 50 पॉइंट अधिकतम मिलते हैं, जिसका मैक्सिमम मार्क्स वो विनर होता है। तो ये होता है स्नैप शूटिंग। पूजा शर्मा हाँ बढ़िया, ठीक है। अनुज मौर्य, आशीष हाँ बढ़िया, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम लिखे। फास्ट, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम, जल्दी कोई भी। अभी आप दो का ही नाम बता दो चलेगा, देखता हूँ 2-4 दिन में, ठीक है? 2-4 दिन में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको बेचैन नहीं होना है, तब तक आप वेबसाइट से और यूट्यूब से ऐसे पढ़े। इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम जल्दी। अरे पीडीएफ अभी 2-4 दिन में आएगा ना, मैं आपको लिंक दे दूंगा गूगल पे, ठीक है? संकेत अब नेक्स्ट टाइम, ठीक है? आप लोग आंसर बता। अरे इम्तियाज आंसर बता। ललिता हाँ परफेक्ट है, उसका अभी तो प्रीवियस का। रेड डेविल, सोनल, अनुज हाँ ठीक है, इवो, मोनू सागर। अरे AK-47 नहीं होता दिलीप कुमार, एक ही गन का नाम जानते हो, AK-47 याद करके आओगे तब तो आंसर बताओगे ना। बबलू हाँ ठीक है, आशीष हाँ ठीक है, बाकी लोग का भी सही है कुछ। इन्फेंट्री में इस्तेमाल किया जाना वेपन्स में होगा इंसास राइफल यानी 5.56 mm इंसास, CMG यानी कार्बाइन मशीन गन, LMG लाइट मशीन गन, MMG मीडियम मशीन गन, RL यानी रॉकेट लॉन्चर, 9mm पिस्तौल, 13mm मिनी फिलियर। इसके बाद DSR होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्रैगुनो स्नाइपर राइफल। DSR का फुल फॉर्म ड्रैगुनो स्नाइपर राइफल। तो मैंने आपको टोटल 8 गन है, ठीक है, जो इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए, तो आप 8ों का नाम याद रखना, क्योंकि 2-3 भूलेंगे तो अभी आपका हो जाएगा, 5 पॉइंट आसानी से लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 7.62mm SLR की मारक क्षमता खाली स्थान है, यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ SLR कितना होता है? फास्ट, 7.62mm SLR की मारक क्षमता खाली स्थान है, जल्दी, यानी आपको इसमें इफेक्टिव रेंज बताना है। ओनली 10-15 सेकंड, फास्ट, इफेक्टिव रेंज कितना होता है SLR का? नहीं उसमें SLR नहीं होता, नहीं उसमें SLR नहीं होता। अरे SLR को आर्मी से हटा दिया गया, मतलब नहीं यूज होता, ठीक है? उसकी जगह इंसास आ गया, अब SLR ट्रेनिंग देने के लिए बस यूज होता है। SLR का मारक क्षमता मतलब इफेक्टिव रेंज, सॉरी अधिकतम रेंज, हाँ ठीक है बढ़िया। बाकी लोग होता है SLR का मारक क्षमता कितना है? हाँ ठीक है, इसका मारक क्षमता यानी अधिकतम रेंज, सॉरी इफेक्टिव रेंज नहीं होता, मैक्सिमम रेंज होता है, ठीक है? मारक क्षमता मिस्टेक हो गया था, मैक्सिमम रेंज तो होता है 1000 मीटर SLR का, ठीक है? हाँ ठीक है, आप सभी का 1000 मीटर होगा करेक्ट, 2700 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीन के साथ 7.62mm SLR की लंबाई खाली स्थान होती है। संगीन के साथ 7.62mm SLR की लंबाई खाली स्थान होती है, कितनी होती है जल्दी? बबलू रॉन्ग है उसका, SLR का लेंथ बताना है विथ बैनट। फास्ट जल्दी, हाँ इफेक्टिव रेंज पूछेगा तो 300 गज, ठीक है SLR का, जल्दी से आंसर बताइए। लेंथ पूछ रहा है, लेंथ संगीन के साथ 7.62mm SLR की लंबाई खाली स्थान होती है। रेड डेविल सही। फास्ट, जय हिंद। वेट ऑफ SLR, SLR राइफल का वेट बताना है जल्दी, व्हाट इज द वेट ऑफ SLR। फास्ट, ऑप्शन में आपका 5.1 केजी, 4.4 केजी, 4.1 केजी और 3.6 केजी, कितना होता है SLR का वेट जल्दी? SLR राइफल का वेट कितना होता है? 5.1 केजी, 4.4, 4.1 या फिर 3.6, जल्दी। अरे हाँ कमेंट आ रहा है, आंसर बताओ जल्दी, इतना लेट क्यों कर रहे आप लोग? अरुण सही है, सोनाला बढ़िया, बाकी लोग जल्दी। वेट ऑफ SLR,
अरे इससे भी इजी हो सकता है क्या कुछ? ललिता सही है, आशीष, डेविला ठीक है, पूजा शर्मा रहोगे, फोर नहीं होता। हाँ ठीक है अभी बाकी सभी लोग का। हाँ ठीक है कुछ लोग का रहोगे। एसएलआर का वेट होता है 5.1 kg, ठीक है 5.1 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.62 mm एसएलआर का प्रभावी रेंज खाली स्थान है, यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ एसएलआर। जल्दी, एसएलआर का प्रभावी रेंज खाली स्थान है, जल्दी से आंसर बताएं। 10 to 15 सेकंड वन वर्ड आंसर के लिए काफी है। फास्ट, एसएलआर का प्रभावी रेंज खाली स्थान है कितना होता है? करेक्ट है। बाकी लोग जल्दी, इफेक्टिव रेंज ऑफ एसएलआर। गिरिजेश ठीक है, फास्ट, ललिता ठीक है, कमलेश 300 लिखने से नहीं होगा, अमित रॉन्ग है, अनुज का ठीक है, गनू रॉन्ग, सोनल हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बट कुछ लोग एकदम बेवकूफी वाली हरकत आप लोग कर रहे हैं, आप लोग याद करके नहीं आते हैं और 200 400 लिख रहे हो। एसएलआर का इफेक्टिव रेंज यानी प्रभावी सीमा 300 गज होता है, अगर मीटर में बोले तो 275 मीटर होता है, ठीक है 275 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 mm एसएलआर की मैगजीन में राउंड खाली स्थान भरे जाते हैं, यानी मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एसएलआर कितना है? फर्स्ट, व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एसएलआर राइफल? जल्दी, मैगजीन में कितना राउंड आता है एसएलआर के? फर्स्ट ऑप्शन है 25, 30, 20 या फिर 40। जल्दी, एसएलआर राइफल के मैगजीन में कितना राउंड आता है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, इतना इजी इजी क्वेश्चन, आज इतना लेट से क्यों आ रहा आपका आंसर? काफी लेट आ रहा है। डेविल, सोनल, आशीष बढ़िया, एसयू, अंकित, गिरिजेश, हाँ ठीक है, अभी सभी लोग का सही है। एसएलआर की मैगजीन कैपेसिटी यानी इसके मैगजीन में 20 राउंड आते हैं, करेक्ट आंसर होगा 20 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 mm एसएलआर की कैलिबर यानी कुत्तर खाली स्थान है, 7.62 mm एसएलआर की कैलिबर यानी कुत्तर कितना है? जल्दी, अच्छा ओम प्रकाश कुमार बेटा जी, दिमाग नहीं है जरा भाई, बोलता है अपना आदमी का नाम लेते हैं। 7.62 mm एसएलआर की कैलिबर यानी कुत्तर खालिस्तान है, जल्दी फास्ट, हाँ नेटवर्क इशू चल रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। अरे कैलिबर पूछ रहा है, ललिता ठीक है, सोनाल सही है, बाकी लोग आशीष बढ़िया, ये कौन है? ग्रिजेश ठीक है, ग्रिजेश रॉन्ग है तुम्हारा, टाइम इज लाइफ, सचिन ठीक है, बाकी लोग जल्दी, एस एल आर के बताते हैं ना पांच लोग, उन्हीं का नाम लिया जाता है, ठीक है जल्दी से। 7.62 mm एस एल आर में खाली स्थान खाचे होते हैं। अरे हाँ नेटवर्क इस हो रहा बहुत, अमित करेक्ट है, बाकी लोग जल्दी से, एस एल आर में कितने खांचे होते हैं? फास्ट, अरे तो सुनील सर आर्मी में है ना, तो उनका भी तो काम होता है, जिस दिन उनको टाइम मिलता है तो वो आ जाते हैं क्लास में। नेटवर्क इशू हो रहा होगा, जल्दी से आंसर बताइए। ग्रिजेश डेविल हाँ ठीक है, सोनूपाल, पूजा शर्मा हाँ ठीक है, अभी एसएलआर में 6 खांचे होते हैं, ठीक है करेक्ट आंसर होगा 6। अरे काफी लेट आ रहा कमेंट, नेटवर्क इशू की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.22 इंच राइफल मैगजीन में भरने वाले अधिकतम राउंड खाली स्थान है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 0.22 राइफल के मैगजीन में अधिकतम कितने राउंड भरे जा सकते हैं? जल्दी, पॉइंट टू टू राइफल मैगजीन में भरने वाले अधिकतम राउंड खाली स्थान है। अरे वीर फौजी वाह करेक्ट है, 0.22 राइफल के मैगजीन में कितना आता है? जल्दी, रेड डेविल, श्रिया शर्मा करेक्ट है, अनुज, फौजी, पूजा शर्मा हाँ ठीक है, कल्याण और बाकी लोग बताइए। हाँ ठीक है कुछ लोग कर रहे होंगे। 0.22 के मैगजीन कैपेसिटी मैक्सिमम 10 राउंड होते हैं, ठीक है मैक्सिमम 10 राउंड आता है, करेक्ट आंसर 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.22 राइफल की फायर की सामान्य दर खाली स्थान राउंड प्रति मिनट है, ध्यान देंगे, यानी नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 0.22 राइफल कितना होता है? फास्ट,
सामान्य दर पूछ रहा है 0.22 राइफल का, नॉक 0.22 राइफल, जल्दी 0.22 राइफल की 5 राउंड, अभी सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.56 mm इंसास की फायर की स्थिति खाली स्थान और खाली स्थान है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप, यहां पर पूछ रहा इंसास की फायर की स्थिति खाली स्थान और खाली स्थान है, मतलब इंसास का नॉर्मल रेट ऑफ फायर, ठीक है, फायर का पोजीशन पूछ रहा, नॉर्मल रेट ऑफ फायर और रैपिड रेट ऑफ फायर कितना होगा, जल्दी दोनों बताइए, इंसास का नॉर्मल और रैपिड। अनुज मौर्य रॉन्ग है, अरे डेविल बंद कैसे कर दे, अच्छा आवाज फंस रहा। ललिता हाँ ठीक है, सोनू हाँ ठीक है, और बाकी लोग बताए नॉर्मल रेट ऑफ फायर और रैपिड रेट ऑफ फायर कितना होता है। आशीष गिरिजेश कन्हैया हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बट मैंने बुक में देखा था उसका रैपिड में 650 लिखा था, इतना तो होता नहीं, 150 ही होता है ना इंसास का। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इंसास की फायर की स्थिति नॉर्मल रेट ऑफ फायर 60 राउंड प्रति मिनट और रैपिड 150 राउंड यानी 150 राउंड पर मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.62 mm एलएमजी की अधिकतम सीमा बाइपॉड पर खाली स्थान और ट्राइपॉड पर खाली स्थान है। एलएमजी की अधिकतम सीमा बाइपॉड पर और ट्राइपॉड पर कितना है, जल्दी बाइपॉड का अलग आपको बताना है कि बाइपॉड पर एलएमजी की अधिकतम सीमा ट्राइपॉड पर कितना होता है, फास्ट। फौजी तुमको याद है या फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हो दूसरे का, जल्दी 7.62 mm एलएमजी का बाइपॉड पर कितना और ट्राइपॉड पर कितना होता है। अरे पीडीएफ 2-4 दिन में दूंगा, काहे परेशान हो रहे हो। अनुज मौर्य ललिता ग्रिजेश हाँ ठीक है, ओके ओके जय हिंद, अच्छा पता था, हाँ आशीष वही तो ठीक है। चलिए हम आंसर देखते हैं, एलएमजी का बाइपॉड पर और ट्राइपॉड पर कितना होता है। बाइपॉड पर होता है 1000, अरे वो 700 मैंने पहले आपको बता रखा था, ठीक है, मैं भी हो सकता है नोट्स में भी 700 ही हो, बट सुनील सर क्लास में थे तो उन्होंने बताया था, ठीक है। अरे नहीं, बाइपॉड पर 1000 यार्ड्स और ट्राइपॉड पर 2000 यार्ड्स, ठीक है, बाइपॉड पर 1000 और ट्राइपॉड पर 2000 होता है, तो आप ध्यान देंगे, ठीक है, वो पिछली बार हमने मिस्टेक कर दिया था, 1000 और 2000 होता है, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 7.62 mm SLR के पार्ट्स का नाम लिखे, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ SLR राइफल, जल्दी SLR राइफल के पार्ट्स का नाम, कम से कम 5 पार्ट्स का नाम बताइए, कम से कम 5 पार्ट्स का नाम बताओ जल्दी। अरे प्रीवियस क्लास भी हुआ था तो उसमें भी तो सुनील सर बताया था ना, क्या दोबारा बता रहा, SLR के पार्ट्स का नाम जल्दी, कम से कम 5, रेड डेविल करेक्ट है, बाकी लोग जल्दी से बताएं। विकास हाँ आता है बट कम आता है, पूजा शर्मा सही है, बाकी लोग फास्ट, मिनिमम 5 पार्ट्स का नाम, पार्ट्स इसके 15 मतलब बहुत सारे, 15 से भी ज्यादा है, जल्दी। ये देखो ओम प्रकाश लिखता है केवल बट और गधा बोलता है, नाम नहीं लेते हो, पढ़ के आते भी हो कन्हैया ब्यूटी ग्रिजेस हाँ ठीक है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं, SLR के पार्ट्स का नाम, इसके पार्ट्स में बैरल, मैगजीन, फोरहैंड गार्ड, पिस्टन ग्रिप, पिस्टन ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, इसके बाद मैगजीन है तो मैगजीन कैच भी होगा, कैरिंग हैंडल, बॉडी कवर और भी बहुत सारा, ठीक है, तो आप कोई भी कम से कम 10 पार्ट्स के नाम, कम से कम SLR के 10 पार्ट्स के नाम आप याद रखेंगे, हाँ ठीक है, अभी बढ़िया, काफी लोगों ने बताया। और ओम प्रकाश बेटा जी तुम एक साथ सारे पॉइंट बताया कर, ठीक है, एक एक बता रहे तो ब्लॉक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया क्या, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम, जल्दी कम से कम 3 का बताइए फास्ट, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम लिखे, मिनिमम 3 वेपन्स का नाम, जल्दी आ रहा है ब्यूटी, आ रहा आंसर बताओ, लाठिया तू एक ही बता रहा, अरे पीडीएफ वेबसाइट के थ्रू मिलेगा ना गूगल से, वहां से डाउनलोड कर लोगे। इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियार, तो कम से कम 3 की बताइए जल्दी, अरे फौजी कोई बात नहीं है, अच्छा नरेंद्र नए हो, अच्छा कोई नहीं, देवाश्री हाँ ठीक है, बाकी लोग जल्दी इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम, कम से कम 3 का,
अच्छा पवन 5 बिहार से हो। ओहो ग्रिजेश हाँ ठीक है, रजनीश यादव हाँ बढ़िया। बाकी लोग जल्दी, इन्फेंट्री द्वारा कौन कौन सा वेपन इस्तेमाल किया जाता है? रेडवीर शहनाज हाँ ठीक है चलिए। अरे एसएलआर नहीं है, एसएलआर रॉन्ग है। इन्फेंट्री का वेपन होगा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेगा ठीक है। इंसास, सीएमजी, एलएमजी, एमएमजी, आरएल, 9mm पिस्तौल, मिनी फिलियर। यहाँ पे मिनी फिलियर गन नहीं होता ठीक है, सुनील सर ने बताया था, मैंने गन बता दिया था, यहाँ पे गन नहीं होता ठीक है, केवल मिनी फिलियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के इन्फेंट्री यानी पैदल सेना बटालियन के 2 बटालियन सपोर्ट वेपन हथियार का नाम, जल्दी इन्फेंट्री के 2 सपोर्ट वेपन का नाम फास्ट। हाँ जय हिंद सभी को, इतना लेट आते हो, आंसर बताओ। इन्फेंट्री के 2 बटालियन सपोर्ट वेपन का नाम फास्ट जल्दी। मैंने आपको 4 वेपन्स का नाम बता रखा है सपोर्टिंग में, तो कम से कम 2 का नाम बताइए। ओके इंद्रजीत मुजफ्फरपुर से हो। सपोर्टिंग वेपन्स कौन है इन्फेंट्री के फास्ट? अनुज मरा ठीक है। चलिए हम लोग आंसर देते, इन्फेंट्री बटालियन के सपोर्टिंग वेपन है एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 51mm मोटर, 81mm मोटर और रॉकेट लॉन्चर यानी शॉर्ट में बोले तो आरएल। ये चारों इन्फेंट्री बटालियन के सपोर्टिंग वेपन है ठीक है। ओके बेस्ट ऑफ लक सुरेंद्र। नेक्स्ट है, इन्फेंट्री बटालियन की विशेषता लिखे, राइट द क्वालिटीज ऑफ इन्फेंट्री बटालियन, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कम से कम आप एक पॉइंट भी बताए तो चलेगा। इन्फेंट्री बटालियन की विशेषता यानी क्वालिटीज ऑफ इन्फेंट्री वेपन्स, इन्फेंट्री बटालियन फास्ट एक पॉइंट भी बता दो कि इन्फेंट्री बटालियन की क्या खासियत होती है, उनमें कौन कौन सी क्वालिटी होती है, मिनिमम 1 पॉइंट फास्ट। अभी 2-4 दिन में पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा, उसके बाद आपको फुल में फुल पॉइंट्स बताना होगा ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन। और कल तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर्स करेंगे ठीक है, मॉडल पेपर्स, ओरिजिनल मॉडल पेपर्स, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। हाँ जय हिंद, बाकी लोग बताए जल्दी। अच्छा राजस्थान से अंकित, ओके ओके ब्यूटी करेक्ट है सोनूपाल हाँ बढ़िया, एक एक ही पॉइंट बताया। अनुज मरा ठीक है, रेडवी ललिता, ड्रीम फिटनेस हाँ ठीक है। चलिए हम लोग आ सकते हैं, इन्फेंट्री बटालियन की क्या क्या विशेषता होती है यानी उसकी क्वालिटी, इन्फेंट्री बटालियन की विशेषता यानी क्वालिटीज, आत्मनिर्भरता, जमीन कब्जा करने के अनुसार खुद में परिवर्तन लाना, तो ये इन्फेंट्री बटालियन की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरियां लिखे, इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरियां क्या क्या होती है, मिनिमम 1 पॉइंट फास्ट। इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरियां क्या क्या होती है, उसमें नुकसान कौन कौन से है, जल्दी मिनिमम 1 पॉइंट फास्ट बताइए। इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरियां क्या क्या होती है, और आप लोग समय से क्लास आएंगे ठीक है, आज तो नेटवर्क की वजह से क्लास ही नहीं चल रहा था, क्लास 7 बजे स्टार्ट हो जाती है ठीक है, तो आप समय से 7 बजे आएंगे। अरे हाँ हाँ आज तो नेवी डे है ना, सभी लोगों को हैप्पी नवल डे, हैप्पी नेवी डे, आज भारतीय नौसेना दिवस है। जल्दी इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरियां लिखे फास्ट। ललिता करेक्ट है, ब्यूटी बढ़िया। अरे सब में छूट मिलेगा बट थोड़ा सा। पूजा शर्मा ठीक है 2 पॉइंट बढ़िया। बाकी लोग आपको 1 पॉइंट भी नहीं याद है, सुबह में कम्युनिटी में तो पोस्ट करता हूं ना, फिर आप लोग कहां रहते हैं। हाँ ठीक है चलिए हम लोग आंसर देते, इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरियां क्या क्या होती है, इसमें होगा हवाई हमला से खतरा, क्योंकि इन्फेंट्री बटालियन यानी पैदल सेना होता है, ये पैदल सेना उसका नाम ही है ठीक है, इन्फेंट्री बटालियन मतलब मार्च करती है दूर जंगल वगैरह में, तो हवाई हमला से खतरा, जमीनी कार्रवाई और एंटी पर्सनल माइंस से खतरा, तो ये इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरिया है। आशीषा बढ़िया, अंकित हा ठीक है, दीपक हा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है, ऑप्शन है 4, 8, 10 या 2। फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है फास्ट जल्दी, फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है। सुबह में अभी क्लास नहीं हो रही, सुबह में पीडीएफ अवेलेबल कराने के बाद हुई ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, फायर करते समय टारगेट को कितने भागों में बांटते हैं। अरे बहुत ज्यादा लेट से आ रहा कमेंट,
ग्रिजेश रेड भी, ललिता करेक्ट है, बाकी लोग फास्ट। सुबह में क्लास नहीं हो रही अभी, सुबह में हम लोग टाइमिंग तक फिक्स कर लेंगे, पीडीएफ अवेलेबल कराने के बाद, ठीक है, मतलब दो चार दिन के बाद। ओम प्रकाश, राहुल, सावन, हाँ ठीक है भी, यादव, सफाई, रॉन्ग है तुम्हारा, बाकी सभी लोग का सही है, ठीक है। फायर करते समय टारगेट को चार भागों में बांटते, ठीक है, करेक्ट आंसर चार होगा, हाँ ठीक है, बाकी सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाटून हेडक्वार्टर में कोत में कौन सा मोटर होता है, प्लाटून हेडक्वार्टर के कोत में कौन सा मोटर, जल्दी, ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में बोले तो 51 एमएम मोटर, 81 एमएम मोटर, 54 एमएम, कौन सा होता है फास्ट, प्लाटून हेडक्वार्टर के कोत में कौन सा मोटर, जल्दी ऑप्शन दे दिया, 51 एमएम, 81 एमएम या फिर 54 एमएम, फास्ट। आशीष रेडविला करेक्ट है, बाकी लोग जल्दी, ब्यूटी सोनू, ग्रिजेश, हाँ ठीक है, हाँ बाकी लोग अब सही है, चलिए हम लोग आ सकते, कौन सा था, हाँ ठीक है, प्लाटून हेडक्वार्टर के कोत में 51 इंच मोटर था, ठीक है, 51 एमएम मोटर। नेक्स्ट है, 9 एमएम कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, यानी सीएमजी की मैगजीन कैपेसिटी, 9 एमएम कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ कार्बाइन मशीन गन, फास्ट, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ कार्बाइन मशीन गन, जल्दी सब लोग एक साथ आंसर बताएं, व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ सीएमजी, काफी लेट, आज नेट काफी ज्यादा स्लो है, ललिता ठीक है, बाकी लोग फास्ट, कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, आपका इन्फेंट्री वेपन से इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पांच छह क्वेश्चन आपके इतने ही क्वेश्चन में से आएंगे, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा, जल्दी। आशीष सर ठीक है, ब्यूटी बढ़िया, ग्रिजेश सर ठीक है, बाकी लोग का भी अभी सही है, बढ़िया। कार्बाइन मशीन के यानी सीएमजी के मैगजीन कैपेसिटी इसकी 32 से 34 राउंड होती है, ठीक है, 32 to 34 राउंड। नेक्स्ट है, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है, फास्ट जल्दी, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है, जल्दी से, अरे हाँ हाँ बताए हो, जल्दी से आंसर बताइए, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है, फास्ट, अरे हाँ नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा है, जल्दी से आप लोग आंसर बताओ, मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टेन गन, मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टेन गन कितना होता है, ललिता, सोनू, ग्रिजेश, ब्यूटी, हार्ट, ठीक है, सावन, चलिए हम लोग आंसर देते हैं, स्टेन गन का मैक्सिमम रेंज यानी अधिकतम रेंज 100 मीटर होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर 100 मीटर। आप लोग 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय ना ले, नहीं तो फिर वन वर्ड आंसर है ना, फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा, हाँ ठीक है, अभी सभी का 100 मीटर। आशीष, 1000 मीटर नहीं, सुनील सर जय हिंद, सुनील सर जय हिंद, एक क्वेश्चन का डाउट है सर, अभी पूछता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट्री सेक्शन के पास, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेन गन होती है, ठीक है, ये स्टेन गन है, कितनी स्टेन गन होती है, जल्दी, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेन गन होती है, फास्ट जल्दी। सुनील सर डाउट ये था कि 7.62 एमएम एलएमजी का बाइपोड पर और ट्राइपोड पर मैक्सिमम रेंज कितना होता है, 1000 और 2000 मीटर होता है ना सर, बाइपोड पर 1000 और ट्राइपोड पर 2000 मीटर होता है ना, जल्दी से आंसर बताइए बाकी लोग, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेन गन होती है, ललिता, पूजा शर्मा, ब्यूटी, हनी, ठीक है, तबाही है, बढ़िया, हाँ ठीक है, आशीष क्या लिख रहा है, जीरो लग गया, अच्छा हाँ ठीक है, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास, सेक्शन में 10 जवान होता है, ठीक है, सेक्शन मतलब 10 जवान होते हैं उसमें, तो एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास 2 स्टेन गन होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, अभी सबका सही है। नेक्स्ट है, एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार से फायरिंग कराई जाती है, ऑप्शन 2, 4, 3, 5 और उसमें आपको बताना होगा कौन कौन, एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार से फायरिंग कराई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है बहुआ टाइप का, जल्दी ऑप्शन दे दिया हूं और कौन कौन भी बताना होगा, अगर आप 2 बताएंगे तो 2 कौन सा पोजिशन, 4 बताएंगे तो 4 पोजिशन लिखना होगा, 3 तो 3 और 5 पोजिशन तो 5 पोजिशन का नाम आपको बताना होगा,
कि एनसीसी कैडेट्स को किस किस पोजीशन से फायर कराते, कितने प्रकार से। अच्छा सुनील सर से पूछ लेते हैं, सर इन्फेंट्री से ही है। अरे चार लिख रहे, काफी लोग आप लोग कर होंगे, चार वाले सब कर होंगे। आशीष नॉर्थ साउथ गुम है क्या, चार बता रहा। पूजा शर्मा हाँ परफेक्ट, सुरेंद्र यादव ठीक है। सुनील सर उसका आंसर बताइए ना, एलएमजी का उसका बाइपोड पर कितना आउट रिपोर्ट पर। हाँ ठीक है, एनसीसी कैडेट को तीन प्रकार से फायरिंग कराता है ठीक है, कितनी बार बताऊं। करेक्ट आंसर होगा तीन प्रकार से, लेट कर यानी लेइंग पोजिशन, खड़े होकर यानी स्टैंडिंग, और घुटने के बल यानी नीलिंग पोजिशन। एनसीसी कैडेट को सिटिंग पोजिशन से फायर नहीं कराते क्योंकि तीन ही पोजिशन है, और एनसीसी कैडेट को पॉइंट टू राइफल से फायर कराते हैं, सिटिंग पोजिशन पॉइंट टू राइफल से नहीं होता ठीक है, अब ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.62 mm LMG कितने बड़े भागों में खोला जाता है और कौन कौन। फास्ट LMG कितने बड़े भागों में और कौन कौन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ देखो मैंने बोला था ना 1000 और 2000 होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है। LMG का बाइपोड पर 1000 मीटर और ट्राइपोड पर 2000, सुनील सर ने भी बता दिया। हाँ हाँ अंकित मुझे याद था, सुनील सर ने भी बताया था, जल्दी से आंसर बता। LMG कितने बड़े भागों में और कौन कौन, फास्ट, काफी इजी और वीबीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। जल्दी कितने बड़े भागों में और कौन कौन से, सारे बताने होंगे ब्यूटी, तो कौन बताएगा कि पांच कौन कौन सा। हाँ ठीक है पांच बड़े भागों में, ये तो सबका सही है, एलएमजी को पांच बड़े भागों में खोलते हैं, बट कौन कौन से उसके उसका नाम भी बताना है। पांच करेक्ट होगा ठीक है, एलएमजी को पांच बड़े भागों में खोलते बट कौन कौन, जल्दी। पूजा शर्मा परफेक्ट, अच्छा दो ही याद है तुमको, अजीब हाल है। आशीष परफेक्ट है, और कोई ठीक है। इसको पांच बड़े भागों में खोलते हैं जिसमें होता है आपका ऊपर से शुरू करते हैं, बैरल ग्रुप, बैरल ग्रुप, बॉडी ग्रुप, पिस्टन ग्रुप, बट ग्रुप, और एक होता है बाई पार्ट ग्रुप, बाई पार्ट ग्रुप ठीक है। तो ये पांच ग्रुप होते हैं, तो आपको याद करना होगा पांचों। नेक्स्ट है 0.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है, ध्यान देंगे यहां पर डिलक्स है, 0.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है, फास्ट जल्दी 0.22 डिलक्स राइफल का वेट यानी वजन कितना होता है, जल्दी से आंसर होता है। दीक्षा ललिता हाँ ठीक है, दीक्षा तुमने चार ही बताया, अरे बट प्लेट नहीं होता, बट ग्रुप होता है ठीक है। जल्दी 0.22 डिलक्स का वेट कितना होता है, ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें आपको, अरे काफी इजी क्वेश्चन है ये सर, फेट में ये सब मतलब एकदम बगवा टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी वेट ऑफ 0.22 डिलक्स, ध्यान देंगे यहां पर डिलक्स है। अरे कौन है सीलिंग सिंगिंग बोल्ट मैगिन, अनीता इस क्या लिख रही हो, कृष्णा रॉन्ग है, ग्रिजेश हा ठीक है, ललिता आशीष रॉन्ग है। सर वजन पूछा है, वजन वेट ऑफ 0.22 डिलक्स, दीक्षा ठीक है 0.22 डिलक्स का वेट 6.2 अंश होता है ठीक है, 6.2 अंश, तो अब ध्यान देंगे। शोभित विशाला ठीक है भी बढ़िया। नेक्स्ट है 0.22 मार्क फोर राइफल का वजन कितना होता है, अभी यहां पे मार्क फोर का वेट ऑफ 0.22 मार्क फोर, फास्ट जल्दी व्हाट इज द वेट ऑफ 0.22 मार्क फोर राइफल, जल्दी से आंसर बताइए। आप लोग समय से कल से ठीक है 7 बजे, आज तो नेटवर्क इसकी वजह से लेट हो गया। जल्दी मार्क फोर का वेट कितना होता है,